हेलो एवरीवन, अब हम बात करने जा रहे हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में देखते हैं। सो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो हिजनबर्ग के द्वारा दिया गया था इन द ईयर 1997। ये कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल विथ एक्यूरेसी। चलिए इस बात को समझते हैं कि क्या कह रहा है ये। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स में हम जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल के बारे में कौन इन्फॉर्मेशन देता है, वेव पैकेट देता है इन्फॉर्मेशन, पता है आपको। और वेव पैकेट हमें पार्टिकल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है और ये भी बताता है कि जो वेव है वो ग्रुप वेलोसिटी का चल रहा है। अब देखिए, बॉन्ड के अनुसार क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं जो पार्टिकल में बी फाउंड एनी वेयर विद इन द वेव पैकेट, की पार्टिकल जो है वेव पैकेट में कहीं पर पाया जा सकता है। चलिए ठीक है, इस बात को हम समझते हैं। अगर मान लीजिए हम किसी लार्ज वेव पैकेट को कंसिडर कर लेते हैं, तो कि उसमें कई सारे क्रेस्ट होते हैं, ये क्रेस्ट होते हैं कई सारे इसमें, ठीक है, कई सारे क्रस्ट होने की वजह से क्या होता है कि जो वेलोसिटी होती है वो डिटरमाइंड है यहाँ पे, लेकिन जो पोजीशन है वो डिटरमाइंड नहीं करी जा सकती है, ठीक है। चलिए अब एक बार हम एक स्मॉल वेव पैकेट कंसीडर करते हैं। अब स्मॉल वेव पैकेट है तो पोजीशन फिक्स हो गई, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि देर इज अनसर्टेनिटी इन आइदर ऑफ देम एट अ टाइम, किसी भी एक टाइम पे अनसर्टेनिटी रहेगी, ठीक है। चलिए अभी स्टेटमेंट के अनुसार थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देख लेते हैं। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमको कहता है कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कर बाई टू, मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट। इसके कुछ और फॉर्म भी हैं कि डेल्टा डी ई डेल्टा टी एनर्जी और टाइम के फॉर्म में, और एंगुलर मोमेंटम और एंगल के फॉर्म में। तो एनर्जी और टाइम के बारे में भी यही है कि ग्रेटर देन इक्वल टू एच कर बाई टू, और एच कर की वैल्यू क्या है, एच बाई टू पाई, आपको पता होनी चाहिए। डेल्टा जे डेल्टा थीटा बराबर एच कट बाई, ठीक है। तो ये हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। चलिए कुछ एक एग्जांपल देखते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड में एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक, ये देखिए एग्जांपल इसका, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का पहला एग्जांपल है हिजनबर्ग गामा रे माइक्रोस्कोप। हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोजिशन निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और ये बहुत हाई रिजोल्विंग पावर का माइक्रोस्कोप है। यहाँ पे गामा रे इसलिए क्योंकि गामा रे क्या होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की होती है। अब जो रिजोल्यूशन लिमिट होती है वो होती है डेल्टा एक्स बराबर लेमडा बाई टू साइन थीटा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे फोटोन इन्वॉल्व है और इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्पटन इफेक्ट हो जाएगा। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होगा कि गामा रे जो है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रिक्वायरिंग एक्सपीरियंस करेगा ड्यू द प्रेजेंस ऑफ फोटोन, एंड फोटोन ट्रांसफर मोमेंटम टू इलेक्ट्रॉन। जो फोटोन होगा वो अपना मोमेंटम किसको ट्रांसफर कर देगा, इलेक्ट्रॉन को। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम, ये इंसिडेंट फोटोन है, ये स्कैटर्ड फोटोन है, और ये रिक्वायर, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन था रेस्ट में, ये फोटोन गया यहाँ पे टकराया जिसकी गया एच न्यू बाई सी इसका मोमेंटम था, और ये यहाँ से गया स्कैटर्ड फोटोन एच न्यू डैश बाई सी, और ये रिक्वायरिंग जो इसकी वैल्यू है एम वी, इनके बीच में एंगल अल्फा और ये बीटा। अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करते हैं यहाँ पे। देखिए एच न्यू बाई सी बराबर एच न्यू डैश बाई सी कॉस अल्फा एम वी कॉस बीटा इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखिए एक्स कंपोनेंट जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, पी एक्स होगा। तो एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, पी एक्स बराबर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट, ये निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो होता है एच न्यू बाई सी माइनस एच न्यू डैश बाई सी कॉस अल्फा, तो एच बाई सी कॉमन लेते हैं, तो न्यू माइनस न्यू डैश कॉस अल्फा। अब जो हमारा माइक्रोस्कोप है उसके जो एंगल की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक का है, 90 माइनस थीटा से 90 प्लस थीटा के बीच में। तो पी एस की जो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक का होगी, जो पी एस की वैल्यू होगी वो हमारी होगी एच बाई सी, जो कि 90 माइनस थीटा यहाँ पर रखते हैं, 90 प्लस थीटा के बीच में रखते हैं, यहाँ पे कॉस अल्फा की जगह अल्फा की जगह जो हम लोग रखते हैं वैल्यू 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा रखते हैं। रखने के बाद जो हम सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारा जो डेल्टा पी एस वैल्यू आती है वो आती है एच बाई सी न्यू प्लस न्यू डैश साइन थीटा, न्यू प्लस न्यू डैश साइन थीटा यहाँ से माइनस एच बाई सी न्यू माइनस न्यू डैश साइन थीटा, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पे आता है डेल्टा पी एस बराबर टू एच बाई सी न्यू डैश साइन थीटा। तो ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। अब हम डेल्टा पी एस की वैल्यू आ गई हमारी, डेल्टा एस की वैल्यू इसमें से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए हमारा क्या आ चुका था, डेल्टा पी एक्स की वैल्यू आ गई थी टू एच बाई लेमडा साइन थीटा, और इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर वन जिसमें डेल्टा एक्स की वैल्यू थी एच बाई टू साइन थीटा, इन दोनों को यूज करते हैं तो हमारा आता है डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज सिमिलर टू एच कर, दैट इज अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग द हिजनबर्ग गामा रे माइक्रोस्कोप इज ऑफ ऑर्डर ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। ओके, एक एप्लीकेशन भी देख लेते हैं इसका। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत फेमस भी है, कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक इसका एप्लीकेशन है। तो हम देखिए जो न्यूक्लियस होता है उसकी रेडियस होती है 10^-14 के टर्म में, ठीक है। तो डेल्टा पी डेल्टा एस की वैल्यू ये है, हमें पता ही है सिमिलर टू एच कट है, डेल्टा पी निकालते हैं तो एच का बाई डेल्टा एस हो आती है। यहाँ पे हम 2×10^-14 कर लेते हैं, निकालते हैं तो वैल्यू आती है डेल्टा पी की इस फॉर्म में। अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा किस फॉर्म में होगा, p²/2m, ठीक है, p²/2m। तो टी से भी ले सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, ऐसा कोई बात नहीं, के से लिखते हैं टू से लिखो, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं इसकी उठा के, सॉल्व करने पे हमारा जो वैल्यू आती है वो आती है काइनेटिक एनर्जी की 97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अच्छा 97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, तो ये बताता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस ऑर्डर की है, 97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या ये बात गलत है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में लाई ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन थी। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी हमें अनसर्टेंटी के प्रूफ के बारे में भी बात करनी है। मैं प्रूफ के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइए, जरा मैं प्रूफ के बारे में भी आपको बता देता हूँ। प्रूफ कहीं कहीं पूछ लिया आता है, कुछ पेपर्स में, कुछ एग्जाम्स में कई बार प्रूफ पूछ लिया गया, तो इसलिए प्रूफ बताना आवश्यक बन जाता है। ओके, अदरवाइज़ इसका कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको प्रूफ भी बताऊँगा अपने लेक्चर्स में, वहाँ से हम इसके बारे में जानेंगे। प्रूफ से पहले जरा हम देख लेते हैं मिनिमम एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो कि इसके बारे में, इसी का एक एप्लीकेशन और है, एप्लीकेशन नंबर 2। थोड़ा टाइम लग गया मुझे, माफ़ करिएगा। ओके, मिनिमम एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर हमको निकाल, हमको इसके एप्लीकेशन ही है इसका। तो अगर माई क्वेश्चन भी आता कि फाइंड द मिनिमम एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो ये ऐसे निकाल लेते हैं, डेल्टा एस डेल्टा पी बराबर स्क्वायर बाय 2, अनसर्टेनिटी मोमेंटम जो है वो है डेल्टा पी बराबर स्क्वायर बाय 2 डेल्टा एक्स, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा राइटिंग यहाँ पे गंदी लिखी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल लिखा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है, पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है, 2½ k डेल्टा एस स्क्वायर। सॉल्व करने पे आता है ये एच कट स्क्वायर बाई 8 m डेल्टा एस का होल स्क्वायर प्लस k बाई 2 डेल्टा एस का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं, ई को मिनिमाइज करते हैं, डी ई बाई डी डेल्टा एक्स बराबर 0। तो इसमें जब मिनिमाइज करते हैं तो वैल्यू हमारी आती है ये, ठीक है, एच कट स्क्वायर बाई 4 m डेल्टा एस का होल स्क्वायर प्लस k डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एस की वैल्यू आती है ये एच कट स्क्वायर बाई 4 m k की टू द पावर 1/4। ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई, एच कट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मिनिमम एनर्जी निकालनी है, तो मिनिमम एनर्जी हम निकालते हैं इसको, ये देखिए ओके, मिनिमम एनर्जी निकालने के लिए हम एच कट स्क्वायर बाई 8 m एच कट स्क्वायर बाई 4 m k टू द पावर 1/2, यहीं पर रिप्लेस करते हैं वैल्यू हम 1/2 k जी यहाँ पर रिप्लेस करके, तो हमारी जो ई मिनिमम आती है वो क्या आती है, 1/2 h cut ω आती है। देखिए ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ओके, अब एक और एप्लीकेशन देखते हैं, थर्ड एप्लीकेशन जो है वो है बोर एटॉमिक लेवल एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, थोड़ा ठीक है इसके बारे में जानते हैं। डेल्टा ई डेल्टा डी बराबर इस मतलब जो है वो एच कट के ऑर्डर में है, ठीक, एनर्जी और टाइम के बीच में अनसर्टेनिटी जो थी। अब बोर थ्योरी के अनुसार जो है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करता है, एक क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में, और उसका जो डेफिनेट एनर्जी होती है लेकिन अनसर्टेनिटी नहीं होती है, ये बोर कहते थे। मतलब क्या है कि डेल्टा ई जीरो होगा क्योंकि अनसर्टेनिटी है नहीं एनर्जी में और डेफिनेट एनर्जी है, तो डेल्टा ई जो होगा वो जीरो होगा, डेफिनेट एनर्जी यहाँ पे। और जो डेल्टा टी है वो क्या निकलेगा, यहाँ पे एच कट बाई डेल्टा ई, यहाँ से एच कट बाई डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या है, जीरो, तो एच क्या होगा, डेल्टा टी क्या होगा, इन्फिनाइट। टाइम क्या होगा, इन्फिनाइट। लेकिन टाइम जो हम जानते हो कितना होता है एक्सर्टेड आइटम का, 10⁻⁶ एक्सपेरिमेंटली है। इसलिए जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो किसके द्वारा वर्ड की जाती है, बोर प्रिंसिपल के द्वारा वर्ड की जाती है। लेकिन अनसर्टेनिटी हर जगह ट्रू है, हम जानते हैं कि अनसर्टेनिटी इज ट्रू एवरीवेयर, हेंस द बोर प्रिंसिपल कैन बी रिलेटेड वो है, बट अनसर्टेनिटी कैन बी रिलेटेड। ओके, तो ये तीन एप्लीकेशन थी, मैंने प्रूफ के बारे में आपसे कहा था, मैं प्रूफ भी बता देता हूँ आपको, ठीक है, ये देखिए। बट अब हम बात करने जा रहे हैं प्रूफ ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, तो मैं सोचता हूँ इसको नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में रखता हूँ। तो प्रूफ ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विल बी गिवन टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, प्लीज़ शेयर टू द मेनी एज मेनी पीपल एज यू कैन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई वीडियो समझने में तो आप मुझे बताएं कमेंट करके, मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए।